जहन दोस्तों, पेंशन जाना हुआ आसान नहीं होगी प्रॉब्लम आपको एफएसए की यानी डिस्चार्ज बुक की और अदर डॉक्यूमेंट्स की। यानी दोस्तों, आप देख सकते हो आर्मी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ने एक लेटर जारी किया है 5 अक्टूबर का। उसमें सीधी एडवाइजरी दी है कि अभी कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, जहाँ पर हमारे रेजिमेंटल सेंटर या डिपो रेजिमेंट्स हैं, उनकी वजह से देखते हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 4 महीने तक हमारी जो अभी जो पॉलिसी रिवाइज हुई थी उसी के मुताबिक यूनिट से ही पेंशन ड्रिल होगी और आपकी 1 जनवरी 2022 से आपको फिजिकली डिपो रेजिमेंट में रिपोर्ट करोगे और वहाँ पे जो भी आपकी कार्रवाई होनी है उसके लिए जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जवानों में, चाहे एफएसए की प्रॉब्लम हो, उसका पे कट जाता है, उसका सेटलमेंट कैसे कराना है, तो पीओआर दूर है, वो यूनिट में बैठा हुआ है, नहीं हो पाता, उसकी जो डिस्चार्ज ड्रिल का पूरा पैकेज है, लीव इन केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वो सेटल डाउन कर सकता है। वहाँ उसकी ऑफिस भी है, चाहे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग हो और उसका पीओआर भी है, जो फाइनेंस और डॉक्यूमेंट दोनों को सही तरीके से अब आपका सुचारू रूप से काम चलेगा 1 जनवरी 2022 से। यानी इसके ऑनवर्ड्स जो भी आपकी रिपोर्टिंग है फिजिकली आपको सेंटर में रिपोर्ट करना होगा और वहाँ से अब नहीं होगी आपको कोई प्रॉब्लम, चाहे डिस्चार्ज बुक लेना हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स हों, चाहे आपका लीव इन केस की कोई क्वेरी है, चाहे कोई पार्ट ऑर्डर में गलती कर दी उसकी क्वेरी है, आप 1 महीने में सारी अपनी क्वेरीज को सेटल डाउन कर सकते हो। और ये जो लेटर है आप देख सकते हो कि जो भी जाने वाले हैं वो इस तरीके से अपना मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।